नमस्कार दोस्तों, मैं जय किसान आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल जय इन्फो में। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल पॉक्स प्रो में जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में बिलिंग सिस्टम बनाया था, तो उस बिलिंग सिस्टम में हम लोगों ने डेटाबेस क्रिएट किया था, उसके बाद दो टेबल क्रिएट किए थे और उसके बाद जो है फॉर्म क्रिएट करके फॉर्म का डिजाइनिंग किए थे। और आज के इस वीडियो में हम लोग उसी फॉर्म में कोडिंग करेंगे और बिलिंग सिस्टम का ये ऑनलाइन क्लास कम्प्लीट कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट विजुअल फॉक्स प्रो में आ चुके हैं और माइक्रोसॉफ्ट विजुअल फॉक्स प्रो में बिलिंग सिस्टम के इस ऑनलाइन क्लास का ये हमारा दो नंबर वीडियो है। और अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उनका प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के पिछले वीडियो को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग डेटाबेस को मॉडिफाई करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग कमांड लिखेंगे मॉडिफाई डेटाबेस बी सिस्टम, एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पर जो हमारा डेटाबेस ओपन हो चुका है, यहाँ पर हम लोग सेल टेबल को मॉडिफाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारा सी जी एस टी जो है यहाँ पर और एस जी एस टी, इसमें जो है विथ जो है यहाँ पर हम लोग 10 कर देंगे, एस जी एस टी में भी 10 कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग डेट में जाएंगे और डेट में यहाँ पर हम लोग डिफॉल्ट वैल्यू दे देंगे डेट टाइम, और उसके बाद इसको ओके करके सेव कर लेंगे। उसके बाद परचेस टेबल को मॉडिफाई करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग परचेस टेबल में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर अमाउंट है और उसके बाद जो है ऊपर में रेट है। तो रेट में यहाँ पर जो है डेटा टाइप कैरेक्टर है, इसको हम लोग नंबर कर लेंगे, न्यूमेरिक कर लेंगे। और उसके बाद जो है यहाँ पर हम लोग इसका विथ जो है हम लोग यहाँ पर 10 कर लेंगे, और उसके बाद डेट को सिलेक्ट करेंगे और डेट में यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू दे देंगे डेट टाइम, ब्रैकेट ओपन क्लोज, ओके करके इसको सेव कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है हमारा डेटाबेस मॉडिफाई हो चुका है, इसके बाद हम लोग इसको क्लोज कर लेते हैं और उसके बाद जो है फॉर्म को मॉडिफाई करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कमांड लिखेंगे मॉडिफाई फॉर्म बी सिस्टम, एंटर प्रेस करते हैं, यहाँ पर हमारा फॉर्म ओपन हो चुका है। पेज फ्रेम को एडिट करेंगे और उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर पेज वन में डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग एक्टिवेट इवेंट में कोडिंग करेंगे सिलेक्ट टेबल का नाम, तो सेल टेबल का नाम है, और उसके बाद गो बटन दिस फॉर्म डॉट रिफ्रेश, और उसके बाद इसको सेव कर लेंगे कंट्रोल एस और क्लोज कर लेंगे कंट्रोल डब्ल्यू। इसके बाद न्यू बटन में डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग क्लिक इवेंट में कोडिंग करेंगे इफ दिस डॉट कैप्शन इज इक्वल टू न्यू देन दिस डॉट कैप्शन इज इक्वल टू सेव, उसके बाद अपेन ब्लैंक दिस फॉर्म डॉट रिफ्रेश दिस डॉट पैरेंट डॉट टेक्स्ट आई नंबर डॉट सेट फोकस इज रिकॉल दिस डॉट कैप्शन इज इक्वल टू न्यू, गो टू बॉटम दिस फॉर्म डॉट रिफ्रेश एंड इफ, और इसके बाद इसको सेव कर लेंगे और क्लोज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम लोग कमांड ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे, एडिट करेंगे और कमांड वन में डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग कोडिंग करेंगे गो टॉप दिस फॉर्म डॉट रिफ्रेश। सेव कर लेंगे और उसके बाद कमांड टू में जाएंगे, यहाँ पर हम लोग क्लिक इवेंट में कोडिंग करेंगे इफ रेक नंबर इज इक्वल टू वन वेट विंडो डबल कोट में यू आर ऑलरेडी ऑन द फर्स्ट रिकॉर्ड डबल कोट क्लोज नो वेट दिस फॉर्म डॉट रिफ्रेश इज स्किप माइनस वन दिस फॉर्म डॉट रिफ्रेश एंड इफ, इसको सेव कर लेंगे कंट्रोल एस, और उसके बाद कमांड थ्री में जाएंगे। कमांड थ्री में यहाँ पर हम लोग कोडिंग लिखेंगे स्किप वन इफ ई ऑफ वेट विंडो डबल कोट में यू आर ऑलरेडी ऑन द लास्ट रिकॉर्ड डबल कोट क्लोज नो वेट गो बॉटम दिस फॉर्म डॉट रिफ्रेश इज दिस फॉर्म डॉट रिफ्रेश एंड इफ, और इसके बाद इसको सेव कर लेंगे। कमांड फोर में जाएंगे और यहां पर हम लोग क्लिक इवेंट में कोड लिखेंगे गो बॉटम दिस फॉर्म डॉट रिफ्रेश, सेव कर लेंगे और क्लोज कर लेंगे। इसके बाद हम लोग यहां पर ग्रिड में डबल क्लिक करेंगे, आफ्टर रो कॉलम में हम लोग यहां पर दे देंगे दिस फॉर्म डॉट रिफ्रेश,
सेव कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे। और उसके बाद हम लोग अमाउंट के टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे और इसके हम लोग गॉड फोकस इवेंट में जाएंगे और यहाँ पर हम लोग कोड लिखेंगे दिस डॉट वैल्यू इज इक्वल टू दिस डॉट पैरेंट डॉट टेक्स्ट क्वान्टिटी डॉट वैल्यू इन टू दिस डॉट पैरेंट डॉट टेक्स्ट रेट डॉट वैल्यू। और इसके बाद इसको सेव कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिए। और दोस्तों इस चैनल पर और भी बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का क्लास जो है चल रहा है, और माइक्रोसॉफ्ट विजुअल फॉक्स प्रो और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का क्लास जो है कम्प्लीट हो चुका है। और माइक्रोसॉफ्ट विजुअल फॉक्स प्रो में स्कूल मैनेजमेंट प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाता है इसका भी क्लास कम्प्लीट हो चुका है। तो इन सभी वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के उन सभी वीडियो को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों स्कूल मैनेजमेंट प्रोजेक्ट बनाना बहुत ही आसान है, इन सभी ट्यूटोरियल वीडियो को देख करके कोई भी आसानी से स्कूल मैनेजमेंट प्रोजेक्ट बना सकता है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि उन सभी वीडियो को जाकर के जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और उसके बाद सीजीएसटी टेक्स्ट बॉक्स में डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग गॉड फोकस इवेंट पे जाएंगे और यहाँ पर हम लोग कोड लिखेंगे this dot value is equal to this dot parent dot text amount dot value into 9 by 100। और उसके बाद इसको सेव कर लेंगे और क्लोज कर लेंगे। इसके बाद SGST में डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग गॉड फोकस इवेंट में जाएंगे और यहाँ पर हम लोग this dot value is equal to this dot parent dot text amount dot value into 9 by 100। और उसके बाद इसको सेव कर लेंगे और क्लोज कर लेंगे। और इसके बाद टोटल अमाउंट में डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग गॉड फोकस इवेंट में जाएंगे और यहाँ पर हम लोग कोड लिखेंगे दिस डॉट वैल्यू इज इक्वल टू दिस डॉट पैरेंट डॉट टेक्स्ट अमाउंट डॉट वैल्यू प्लस दिस डॉट पैरेंट डॉट टेक्स्ट सीजीएसटी डॉट वैल्यू प्लस दिस डॉट पैरेंट डॉट टेक्स्ट एसजीएसटी डॉट वैल्यू। और इसके बाद इसको सेव कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है हमारा पेज वन यानी कि परचेस एंट्री पेज का कोडिंग जो है कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम लोग सेल्स एंट्री पेज का कोडिंग करेंगे, तो सेम इसी तरह से हम लोग सेल्स एंट्री पेज का भी कोडिंग करेंगे। तो आते हैं सेल्स एंट्री पेज में और यहाँ पर हम लोग परचेस एंट्री में पेज में डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो है हम लोग ने सेल दिए हुआ है, यहाँ पर जो है सिलेक्ट टेबल का नाम सेल दिए हैं, यहाँ पर हम लोग परचेस देंगे, सेव कर लेंगे और क्लोज कर लेंगे। इसके बाद हम लोग पेज टू में आएंगे और यहाँ पर हम लोग पेज टू में डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग एक्टिवेट इवेंट में सिलेक्ट टेबल का नाम देंगे सेल गो बॉटम दिस फॉर्म डॉट रिफ्रेश। सेव कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे। और यहाँ पर जो हम लोग न्यू बटन और उसके बाद जो है कमांड ग्रुप में कोडिंग करेंगे, तो यहाँ पर जो है पेज वन में जिस तरह से हम लोग कोडिंग किए हैं सेम कोडिंग जो है यहाँ पर भी रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग पेज वन से बटन को कॉपी करके यहाँ पर हम लोग पेज टू में पेस्ट कर लेते हैं, दोनों को सिलेक्ट किए कॉपी कर लिए और उसके बाद पेज टू में आते हैं, दोनों को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर डिलीट कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर लेते हैं। और उसके बाद हम लोग अमाउंट का जो कोडिंग हम लोगों ने टेक्स्ट बॉक्स में किए हैं पेज वन में, तो यहाँ पर हम लोग पेज टू में भी सेम उसी तरह से कोडिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग पेज वन से पेज टू में कॉपी कर लेते हैं, कॉपी किए और उसके बाद पेज टू में आते हैं और यहाँ पर हम लोग अमाउंट के टेक्स्ट बॉक्स में गॉड फोकस इवेंट में जाएंगे और पेस्ट कर लेंगे। इसके बाद इसको सेव कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे। सेम इसी तरह से सीजीएसटी एसजीएसटी और टोटल अमाउंट का भी हम लोग कर लेते हैं। और उसके बाद ग्रिड में डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग आफ्टर रो कॉलम चेंज में यहाँ पर हम लोग दे देंगे दिस फॉर्म डॉट रिफ्रेश। सेव कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग फॉर्म का कोडिंग जो है कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम लोग रन करके देख लेते हैं इसको, तो कंट्रोल यहाँ पर ई प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा फॉर्म रन हो चुका है। यहाँ पर हम लोग न्यू बटन पर क्लिक करके एक नया रिकॉर्ड सेव करके देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग इनवॉइस नंबर दे देते हैं, पार्टी का नेम दे देंगे, मोबाइल नंबर दे देंगे, एड्रेस दे देंगे, यहाँ पर डेट ऑटोमेटिक आ चुका है। उसके बाद प्रोडक्ट नेम दे देंगे, क्वांटिटी दे देंगे,
रेट यहाँ पर दे देंगे। और उसके बाद अमाउंट में आएंगे तो यहाँ पर अमाउंट जो है हमारा ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो चुका है। उसके बाद सीजीएसटी भी यहाँ पर हमारा ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो चुका है। इसके बाद एसजीएसटी भी, और यहाँ पर हमारा टोटल अमाउंट भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा। और इसके बाद इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक रिकॉर्ड सेव हो चुका है। इसके बाद हम लोग सेल्स एंट्री में आते हैं और यहाँ पर हम लोग एक और रिकॉर्ड सेव कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग दे देंगे इनवॉइस नंबर, नेम दे देंगे, मोबाइल नंबर दे देंगे, एड्रेस दे देते हैं, डेट यहाँ पर है, प्रोडक्ट नंबर दे देते हैं यहाँ पर हम लोग, क्वांटिटी यहाँ पर हम दे देते हैं, रेट यहाँ पर हम दे देते हैं, अमाउंट यहाँ पर ऑटोमेटिक कैलकुलेट हुआ है, सीजीएसटी यहाँ पर 9% ऑटोमेटिक कैलकुलेट हुआ है, उसके बाद एसजीएसटी भी, और यहाँ पर हमारा टोटल अमाउंट जो है कैलकुलेट हो चुका है। इसके बाद इसको सेव कर लेते हैं। और यहाँ पर हम लोग फर्स्ट रिकॉर्ड पर आते हैं, यहाँ पर फर्स्ट रिकॉर्ड पर आ चुके हैं। उसके बाद यहाँ से हम लोग नेक्स्ट, प्रीवियस और उसके बाद लास्ट। तो यहाँ पर जो है हमारा बिलिंग सिस्टम जो है कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों यहाँ पर अगर आपको इस वीडियो में कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप माइक्रोसॉफ्ट विजुअल फॉक्स प्रो में बहुत ही आसानी से बिलिंग सिस्टम बना सकते हैं। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो जब अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।